एक बात जो हर भारतीय को समझनी पड़ेगी सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में, वो ये कि आप जो भी लिखते हैं, जो भी शेयर करते हैं, जो भी डिस्कशन करते हैं, वो हर कोई दुनिया में पढ़ सकता है और पढ़ता है। आपके फ्रेंड लिस्ट में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ आपके शहर के लोग नहीं है, आपके स्टेट के लोग नहीं है, सिर्फ आपके इंडियंस लोग ही नहीं है। कोई पोलैंड से पढ़ रहा है, कोई रशिया से पढ़ रहा है, कोई कोरिया से पढ़ रहा है, कोई जापान से पढ़ रहा है, पूरी दुनिया के लोग उसे पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें एंटर करने के पहले, पोस्ट करने के पहले 2 बार सोचना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे और हमारा परसेप्शन क्या उन पे बिल्ड हो रहा है जब वो पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले एक मेरी क्लाइंट से मेरे एक कलीग, ये उनकी आईडी मांग रहे थे सोशल मीडिया की, और वो ये कह रहे थे कि नो 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 नो, आई डोंट गिव, आई डोंट ऐड इंडियंस ऑन सोशल मीडिया। और ये बात मुझे बहुत हंसी आई थी। उन्होंने ये कहा था कि इंडियंस दे स्टार्ट डिस्कशिंग अबाउट देयर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस एंड दे डू ऑल दिस डिबेट्स इन इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अगर फ्रेंड लिस्ट में कोई रशियन है, कोई कोरियन है, वो अपनी भाषा में लिखता है तो हम तो स्क्रॉल डाउन कर जाते हैं, लेकिन हम चूंकि इंग्लिश में ही लिखते हैं, अधिकांश लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो उन्हें पढ़ना ही पड़ता है। और जब वो मॉर्निंग में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलते हैं तो पूरा फीड उनका भर जाता है आपके डिस्कशन से, और अजीबोगरीब इश्यूज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने लोकल इश्यूज, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, AIDMK और DIMK की तमिलनाडु में फाइट हो रही है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बंगाल में CPM और तृणमूल कांग्रेस की फाइट हो रही है काउंसिलर और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम किसी स्टेट में BJP और कांग्रेस के बीच हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपका, कोई फ्रांस का कोई मित्र, अगर आप खोले फीड और इंग्लिश में मैराइन डिपेन और इमैनुअल बैकन के बारे में डिस्कशन करने लगे और लेबर कंजर्वेटिव के बारे में 20-20 पोस्ट करने लगे और तरह तरह से पोस्ट और वीडियोस उसमें वायरल करने लगे, और रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बारे में आप जब भी खोलें तो आपको हर घंटे आपको 4-5 पोस्ट आपको ताबड़तोड़ आपको मिलने लगे आपके फीड में। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया है ही, इसीलिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक वरदान भी है अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करें, ये अच्छी चीज़ है, हमें शेयर तो करनी चाहिए बातें। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं और क्या पोस्ट कर रहे हैं, एंटर दबाने के पहले, उसे पोस्ट करने के पहले एक बार सोचें जरूर कि उसे हर कोई पढ़ रहा है। और फिर भी अगर आपको लिखना ही है, आपको शेयर करना ही है इश्यूज, कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा में लिखिए। तो उससे मैं पोलैंड में बैठा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में बैठा हूँ, तो मैं नहीं पढ़ सकता, मैं स्क्रॉल कर जाऊंगा। अगर आप अपनी तेलुगु में लिखेंगे, आप बंगाली में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, असमीज में लिखेंगे, उड़िया में लिखेंगे, तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ, मैं रशिया में बैठा हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ और मॉर्निंग में इतने लंबे लंबे मैसेज और फोटोज़ और वीडियोज़ कि फलाने जगह पे ये बात हो गई है, और आप 1 घंटे में 10-10 आप फीड अपडेट्स अगर आप देने लगें तो शायद मुझे हंसी भी आएगी या मुझे चिड़चिड़ाहट भी होगी, इरिटेशन भी होगी। और इसका एक दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो आपको समझना पड़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी जो है 194 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है, 6.8% GDP में कंट्रीब्यूशन है। तो इससे अगर मैं कहीं दूर बैठा हूँ और मेरे मन में एक अभिप्सा थी हमेशा से कि मैं आई विल गो टू इंडिया वन डे बिकॉज इंडिया मतलब स्पिरिचुअल कनेक्ट, एक अध्यात्म, एक सीकिंग, अगर मेरे मन में वो भावना है तो मैं 10 बार सोचूंगा कि अरे ये तो इंडियंस, ये तो बहुत साधारण से लोग हैं, ये तो बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं, ये किन विषयों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो परसेप्शन है, जो एक जो ब्रांड है हमारे समाज की, देश की, वो अफेक्टेड होती है। इस चीज़ को आप मत भूलिए। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो लिखना है शेयर तो आप निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन आप एक बार सोचिए जरूर कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं और आप क्या शेयर कर रहे हैं, और उसे पूरी दुनिया पढ़ रही है, और आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तब तो पढ़ेंगे ही लोग। तो ये हमें एक बार सोचना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, इस सोशल मीडिया एटिकेट को।